हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम सीखेंगे पैनोरामा फोटोज़ को 360 डिग्री व्यू में कैसे एडिट करें। सबसे पहले हम इसका इमेज साइज़ चेंज करेंगे। ये हमारा इमेज साइज़, इसे हम स्क्वायर में कर लेंगे। इसका मैं विथ 5 और हाइट भी 5 में टाइप कर लेता हूँ और ओके कर लूँगा। फोटो देख रहे होंगे, हमारा ये फोटोज़ स्क्वायर शेप में आ गया है। अब जैसे कलर इसका इक्वल कर लेंगे, जैसे हमारा ये लेफ्ट साइड में लाइट कलर दिख रहा है और लेफ्ट साइड में डार्क कलर। तो इसका कलर इक्वल करने के लिए हम फिल्टर में जाएंगे, कैमरा रॉ फिल्टर, और इसके यहाँ से हम लाइनर ग्रेडियंट टूल लेंगे और इसका एक्सपोजर हल्का सा बढ़ा लेंगे। अभी ऑलमोस्ट कलर हमारा सिमिलर हो गया है राइट साइड के, ओके कर लेंगे। अब हमारा प्रोसेस शुरू होता है अपने इमेज को 360 डिग्री व्यू में कन्वर्ट करने का। तो इसके लिए हम फिल्टर में जाएंगे, डिस्टॉर्ट में जाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे। तो ये हमारा 360 डिग्री व्यू में ये आपको दिख रहा होगा, ये और हमारा क्लिक है रेक्टेंगुलर टू पोलर। तो इस तरीके से हमारे 360 डिग्री व्यू में ये फोटो रेडी हो गया। अब इसके बाद जो ये हमारा लाइनिंग दिख रहा है अपने पैच टूल की मदद से इस तरीके से मिला के, तो इस तरीके से हमारा ये रेडी हो गया। अब इसे हम वापस अंडो कर लेंगे। अब इसे हमें दूसरे एंगल में 360 डिग्री व्यू में कन्वर्ट करना है, तो कंट्रोल ए कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल टी कर लेंगे, देन फ्लिप वर्टिकल। जैसे ही हमारा वर्टिकल व्यू में ये कन्वर्ट होता है, इंटर कर लेंगे और डिसलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम फिल्टर में जाएंगे, रिस्टोर्ट में जाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट में क्लिक कर लेंगे और हमारा जो दूसरा एंगल है उसमें भी दिख जा रहा है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया, ओके कर लेंगे। और अभी जो लाइनिंग दिख रही है उसे पेस्ट टूल से हम हटा लेंगे। तो ये हमारा दोनों ही 360 डिग्री व्यू में ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने फोटोज़ को 360 डिग्री व्यू में एडिट कर सकते हैं विदाउट 360 डिग्री कैमरा। तो ये वीडियोस आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही नए वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नए वीडियोस में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।